जैसे जैसे बजरंगबली जो रही है उसके हिसाब से काम करती है, तो हम लोग उसके नीति के विरोध करते हैं। विकास से तो उसको तो कोई लेना देना है नहीं, धर्म और जाति के नाम पर बांटने का है। भाजपा का जो है मानसिक स्थिति खो गया, वो राजनीतिक जो सब समाप्त हो गया भाजपा का। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कह दिया है कि बिहार में बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, इसको लेकर लगातार विवादों में घिरते जा रहे हो, वैसे में उनके बचाव में उतर गए हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। साफ कहना है कि हम बजरंग दल नहीं बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। जिस तरीके से आए दिन हिंसा जो होती है उसमें कई जगहों पर बजरंग दल का नाम आता है, इस वजह से उन्होंने कहा हम उनकी नीतियों पर विरोध करते हैं। वहीं बीजेपी को भी जम के सुनाया, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। पूरा बयान सुने आप। ये हमारी पार्टी के मुख्य मैंने कौन लीडर, हम तो हमको ऐसा है देखिए आप तो जानते ही हैं कि भाजपा जो है आरएसएस बजरंग दल जो भी है उसके हिसाब से काम करती है, तो हम लोग उसके नीति के विरोध करते हैं। हम लोग किसी व्यक्तिगत किसी को चाहे किसी भी पार्टी के थोड़े थोड़े हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं। जनता यहाँ बिहार की जनता नहीं देश की जनता समझती है, देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा किस मुद्दे पर काम कर रही है। विकास से तो उसको तो कोई लेना देना है नहीं, विकास संबंधी कभी कोई बात करना है नहीं, विकास कोई एजेंडा है नहीं उसका, उसका तो सिर्फ समाज और देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का है और लोगों को सही दिशा से भटकाने का, यही उसका एजेंडा है। अभी भगवान राम का नाम ले लेते हैं, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं, भगवान राम किसी उन्हीं का है? भगवान राम तो सबके हैं। उन्होंने कभी ये थोड़े थोड़े कहा है भगवान राम कि उन्होंने जो दबंग है और दबंग की अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे, बहुत मीडिया में आ रहा है सासाराम का मामला, यहाँ गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जाके जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया, क्या दुख है, क्या करना चाहते हैं, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? ये तो साक्ष्य के हिसाब पर वो पकड़े गए। जो आदमी साक्ष्य के हिसाब पर पकड़े गए हैं प्रशासन उस पर कानूनी कार्रवाई कर रही नहीं, आप दबंग को लेके आप माने की तानाशाही कर रहे हैं, तो सोचने की बात है। अब क्या क्या करना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये तो मैंने भाजपा का जो है मानसिक स्थिति खो गया। और जो हम समझते हैं कि भाजपा जो है जो राजनीतिक जो मूल्य है वो राजनीतिक जो सब समाप्त हो गया भाजपा का, बेताशा और हताश है भाजपा, और इसीलिए अनापसन बयान दे रहे हैं। तो आपने साफ सुना किस तरीके से बीजेपी को लेकर भी तंज कसा है, वहीं साफ कहा है कि हम बजरंग दल का नहीं बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। जिस कई जगहों पर ऐसा देखा गया, चाहे रामनवमी की तस्वीरें हों चाहे कई जगहों पर, वहां पर बजरंग दल जो है वो हिंसक हो गई है। इस वजह से कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू से सांसद हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया है, हम किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। तो अब देखना है जिस तरीके से लगातार ये बातें तुल पकड़ रही है, आने वाले समय में किस तरीके की स्थितियां बिहार में देखने को मिलती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।